प्रयागराज के कृष्णा क्षेत्र में अब लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हिदुपुर गभानिया रोड क्षेत्र में निविशा नेत्रालय एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो गया है। इसका उद्घाटन फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल ने फीता काट कर किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सांसद प्रवीण पटेल का कहना है कि इसके खुल जाने से जो ग्रामीणों को कोई गंभीर बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता था और दिक्कतों को सामना करना पड़ता था, इसके खुल जाने से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। एक तो डॉक्टर साहब ने बहुत कम समय में और लोगों में जो हम लोग देखते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि अगर न्यूरो से संबंधित कोई समस्या है तो डॉक्टर साहब का सबसे पहले लोग नाम लेते हैं। और बहुत अच्छी बात ये लगी कि इसलिए कि शहरों में तो सभी लोग खोल रहे हैं, लेकिन जो आवश्यकता है वो रूरल एरिया में है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ तक जाने में काफ़ी असुविधा होती है। अब जब डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक हॉस्पिटल शुरू किया है तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा, और पूरे जमुना पार नहीं बल्कि अगल बगल, आपका मिर्जापुर भी यहीं अगल बगल लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि दूर दूर से लोग आते हैं, तो अब यहाँ पर लोगों को वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो शहर में मिलती थी। तो इसके लिए हम तो डॉक्टर साहब से इसी बात को कहेंगे कि आपने बड़ा पुण्य का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि जब उनका नाम अच्छा हो जाता है तो वो लोग बाहर ही चले जाते हैं, लेकिन आप वहाँ भी सेवा दे रहे हैं और यहाँ भी सेवा दे रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ की, इसलिए कि जो जन्मभूमि होती है उसका भी एक ऋण होता है, तो ये ऐसी सोच डॉक्टर साहब की है तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। वहीं अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर डीके सिंह ने कहा है कि हमारे यहाँ शहर के अस्पतालों जैसी सारी सुविधाएं इस अस्पताल में उपलब्ध है। मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत हो, चाहे किसी प्रकार की जाँच हो, यहाँ पर हर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रोजाना की ओपीडी रहेगी, साथ ही पैथोलॉजी की सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, जिस तरह से मरीजों को अन्य अस्पतालों में पैसे को लेकर हमेशा विवाद होता है, लेकिन यहाँ पर अन्य जगहों से 50% छूट मिलेगी। क्योंकि जो है हम इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हम चाहते थे कि जो है क्षेत्र के लोगों को जो है अच्छी सुविधा मिल सके और सारी प्रकार की सुविधा मिल सके और जो है उच्च स्तरीय जाँच हो सके, उच्च स्तरीय चिकित्सा मिल सके, इसके लिए जो है मैंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ भलाई का काम किया जाए। यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की जाँचें और किस तरीके की? यहाँ पर सारी पैथोलॉजी की जाँचें हैं, पैथोलॉजी की सारे टेस्ट हैं, यहाँ पे जो है ECG की जाँच की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पे EEG की जाँच की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि ब्रेन की जाँच होती है, नस की जाँच की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पर जो है नेत्र से संबंधित रोगों का जो है संपूर्ण इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है, यहाँ पर ICU है, सर्जरी की सुविधा है, यहाँ पर स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ की सुविधा है, और यहाँ पर इमरजेंसी फैसिलिटीज़ की 24 आवर सुविधा है, ये सब सुविधाओं से लैस है। और यहाँ पर जो है आगे चल के CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध होगी। बाहर से क्या डॉक्टर वगैरह? हाँ, यहाँ पर जो है मैं तो न्यूरोफिजिशियन हूँ, और यहाँ पर और भी डॉक्टर आएंगे, फिजिशियन आएंगे, सर्जन आएंगे, और पीडियाट्रिशियन आएंगे, बच्चे के डॉक्टर आएंगे, और यहाँ पे गायनी के डॉक्टर आएंगे, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और यहाँ पर आर्थोपेडिक सर्जन भी आएंगे, यहाँ पे ये सब सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी। जो है ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे गरीब तबके के भी लोग रहते हैं, तो हिसाब से फीस क्या रखी जाएगी? यहाँ पर जो है शहर की अपेक्षा जो है फीस कम रखी जाएगी, लगभग जो है वहाँ से आधी फीस की में मरीज को देखा जाएगा यहाँ पे। और लगभग 20 किलोमीटर की, हाँ, अगर मानसिक रोग की बात करें तो जटिल समस्या है, तो जो रोगी थे अपने इलाज के लिए इस कस्बे से पूरा शहर जाना पड़ता था, अब उनको काफ़ी सहूलतें मिलेंगी, और कहाँ कहाँ के मरीज अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया के इस तरह के जो ब्रेन से संबंधित जो मरीज हैं उनको यहीं पे सारी सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि CT स्कैन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध होगी, यहाँ पे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होगी, ब्रेन के संबंध में इमरजेंसी में CT स्कैन सबसे इम्पोर्टेंट जाँच होती है, जिसकी सुविधा यहीं पर मौजूद होगी। क्या भर्ती करने की? हाँ, यहाँ पर ICU है, इमरजेंसी है, जनरल वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पर उपलब्ध है।